अकबर के दरबार में एक तोता था जिसका नाम मधुर था। वह बहुत ही प्यारा और समझदार था। हर दिन वह अकबर को अपनी मीठी बोली से खुश करता था। एक दिन अकबर ने उसे दरबारियों के सामने लाकर दिखाया और कहा, यह तोता मेरा सबसे अच्छा साथी है। लेकिन एक दिन तोता अचानक बीमार हो गया और बोलना बंद कर दिया। अकबर चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत अपने दरबार के सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया। वैद्य ने तोते का निरीक्षण किया और कहा, यह बहुत कमजोर हो गया है, इसे अच्छा भोजन और आराम चाहिए। अकबर ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि तोते के लिए सबसे अच्छा भोजन लाया जाए। कुछ दिनों में तोता फिर से स्वस्थ हो गया और पहले की तरह मीठी आवाज में बोलने लगा। अकबर और दरबारी खुश हो गए। तब से अकबर ने हर रोज अपने प्यारे तोते का खास ध्यान रखा।